एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अभी सुबह के बज गए हैं 8 और ये देख लीजिए ब्रेकफास्ट तैयार भी हो गया है। आलू बड़ा बन गए हैं, तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए। मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। और ये है वैशाली के कपड़े। वैशाली के कपड़े मेरे फिक्स आते हैं, हम दोनों के सेम बताते हैं। और बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। ये हमारी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे लोग। और चाची अंदर बना रही हैं खाना, सब्जी बन गई है तोरे की सब्जी, अभी रोटियां बना रही हैं। और वैशाली गई है कॉलेज। चलिए ये देखो खाना बन रहा है किचन में। कितना पानी पीती हो अभी तो, पी के आई हो? दूसरी ले लो, ये मैं मार के खा। मेरी मम्मा को दे दो, नानी को दे दो। बहुत गर्मी है सच में। लंच हो गया है हम लोगों का और टाइम हो गया है दोपहर के 11:30 बज गए हैं। नंबर रुक जाए। सो फैमिली हमारा दोपहर का लंच हो गया है सभी का। अभी दोपहर के बज गए हैं 12:30 का टाइम है। यहाँ पे बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, खेलते भी साथ में हैं और लड़ते भी हैं, तुरंत लड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इनको थोड़ा सा खिलाऊं और इनका दिमाग थोड़ा बट जाए अलग चीज़ में, ताकि ये लड़े ना आपस में। और रंजना का जो छोटा बेटा है ना शिवांश, बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहता है, सारे दिन मोबाइल में। तो मैं उसको खिला रही हूँ, यानी कि मैं कह रही हूँ उससे, मोबाइल मैंने फेंक दिया है, चिड़िया ले गई है, तो थोड़ा सा मान जाए वो। और वो मान भी गया था, वो समझ गया कि चिड़िया ले गई है और उसका दिमाग बट गया हुआ। तो सारे बच्चे आपस में खुश हो गए, खेलने लगे। तो मैं यही चाह रही थी कि ये लोग अभी थोड़ा सा
शोर कर रहे हैं, थोड़ा खेलने लगे, उसके बाद हम जा रहे हैं इनको सुलाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे मायके के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ये वीडियो आपको थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, अभिया के पैर दबाए जा रहे हैं, और इधर नीचे वैशाली, रंजना और चाची विशाल सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। वैशाली कॉलेज से आई है अभी, और शिवना अव्या के पैर दबा रहा है क्योंकि बोल रही थी मम्मा पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो दबाने लगा, उसको देख के नव्या भी दबाने लगी। और बच्चे तो भैया बच्चे ही होते हैं, खेलते भी साथ में हैं और लड़ भी तुरंत जाते हैं, तो अभी तो खेल रहे हैं। सो गाइस, हम लोग चल दिए हैं पार्क में घूमने के लिए, अभी बच गए हैं शाम के 5:05। मिट्टी से नहीं खेलूं। ये देख लीजिए, सब लोग रेडी हो रहे हैं। रंजना कहाँ जा रही हो? पार्क घूमने। पार्क घूमने, ये देखो सब रेडी होके बैठ गए हैं पार्क के लिए। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से ट्रेन जा रहे हैं। बच्चे पार्टी बाहर इंतजार कर रहे हैं, पता है? चलो हेलो वैशाली, वैशाली की पढ़ाई चल रही है, ये देख लीजिए पार्क चल रही है वैशाली। चलो अभी विशाल आ जाए, उसको लिख दे। बहुत बर्फ डला है? नहीं, 4 पेज ही है बस, अभी लिखना जो लाइन वगैरह खींची ना इसमें। अच्छा, चलो भाई, वैशाली तो बिजी हैं, अपना काम कर रही हैं कॉलेज का, बच्चे वगैरह वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पार्क चलो। तो चलिए चलते हैं पार्क में, मिलेंगे आपसे पार्क। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं पार्क में, आज हम लोग आए हैं दूसरे पार्क में। कौन सा पार्क है ये? दशहरा मैदान। दशहरा मैदान पार्क में आए हैं। कैसा लग रहा है बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा, तो मैं तो रोज पार्क में ही घुमाए जाओ बस। वो कहाँ रह गया? दशहरा मैदान। इधर 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 आ आ जा, ओ नमो।
इधर बेटा इधर। बच्चों को लगाई है प्यास घूम घूम के पार्क में। और ये देख लीजिए, हम लोग पानी भी लेके गए थे साथ में बॉटल, क्योंकि गर्मी का टाइम है और प्यास बहुत जल्दी लगती है, खासकर बच्चे हैं साथ में तो पानी ले जाना ज़रूरी है। बच्चे लोग ना पार्क में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, इसीलिए चाची रोज़ उनको ले आती हैं, बोलती हैं कि बच्चे लोग हैं, बच्चों को पार्क में अच्छा लगता है, और भी बच्चे मिल जाते हैं खुले में, उनको अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम लोग पार्क में ले आते हैं इनको शाम के टाइम पर 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मस्ती कर लें। घर में बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं ये लोग, तो ये देख लीजिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो कितना मस्ती कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे और ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अभी हम लोग चल दिए हैं घर के लिए, क्योंकि घर पे एसी वाला आ गया है, चाची की ना एसी थोड़ा सा अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा, इस वजह से हमें घर जाना पड़ रहा है। सिर्फ हमें 15 मिनट ही हुए होंगे पार्क में आए हुए, तो चलिए चलते हैं घर पे। और बच्चे लोग मांग रहे हैं, कोई आइसक्रीम मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, बच्चों का तो ऐसा ही रहता है। तो चलिए चाची सबसे पहले इनको आइसक्रीम वगैरह दिला रही हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए और मिलेंगे आप लोगों से घर पे। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, हम लोग पार्क से घर आ गए थे, और क्योंकि एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा था, इस वजह से एसी रिपेयर वाला आया, तो हमें भी पार्क से जल्दी घर आना पड़ा। 10-15 मिनट हम लोग टहल पाए, उसके बाद फ़ोन आ गया था, तो हम घर आ गए थे। और हमारी पैकिंग सैकिंग भी हो गई फूफ जाने के लिए, ये देख लीजिए रंजना का मेरा बैग, और ये चाची का बैग है ये वाला बेटा, तो चाची भी जा रही है सुबह, तो सुबह हम लोग निकल जाएँगे फूफ के लिए। सुबह 5 बजे हमें जगना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे ट्रेन जाती है फूफ के लिए, तो ट्रेन से ही हम जा रहे हैं। नव्या, सैनिटाइजर लगा के कहाँ जा रही है बेटा? क्यों कहाँ जा रही है सैनिटाइजर लगा के? अम्मू ने कपड़े चेंज कर लिया। अव्या को ना इसके ऊपर का टॉप बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा कट कट है, इसको कट वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अभी इसने टी शर्ट पहन ली तो खुश है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं छत पे, बीच वाली चाची के यहाँ, मुन्नी चाची के यहाँ, अलका सोनाली के पास, और शाम के टाइम छत पे अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है मौसम। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पे चल रही है चाचा चाची की एनिवर्सरी की कैसेट चल रही है, तो मैंने देखी नहीं थी तो मैं देख रही हूँ। रंजना ने उस दिन देख ली थी जिस दिन हम लोग आए थे, उस दिन मैंने नहीं देख पाई थी, इस वजह से मैंने फिर से लगवाई है, और वही देख रही थी मैं। और हमने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था जब हम चाचा चाची की एनिवर्सरी फंक्शन में आए हुए थे, 29 अप्रैल को, हाँ 29 अप्रैल को थी उनकी एनिवर्सरी, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर किया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ म्यूजिक, आप लोग म्यूजिक के साथ पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो चलिए मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 8:30, और हम लोग फिर से आ गए हैं ऊपर, यानी कि बीच वाले चाचा के यहाँ।
तो आज हम खाना खाने वाले हैं छत पे, यानी कि बीच वाले चाचा चाची के यहाँ खाना खाने वाले हैं। और चाचा ने खाने में बनवाए हैं मालपुए और पंगत वाली सब्जी, जो पुए के साथ बनती है ना, मिलती है ना न्योता में, वही वाली सब्जी बनवाई है। तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज सभी लोगों की दावत है मुन्नी चाची के यहाँ, तो चलिए हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, यानी कि मालपुआ और सब्जी। तो चलिए आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।